तो आज हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म से आगे, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मैग्नेट्स के बारे में। कल हम लोगों ने स्टडी किया मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ मैग्नेट कैसे कैसे होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था हॉर्सशू मैग्नेट होता है, रॉड के फॉर्म में भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। ये मतलब सिंपल सी बातें, कुछ खास काम की नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए। फिर मैंने तुम लोगों को बताया कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? एक तो मैग्नेट को, अगर सबसे पहली बात तो है कि मैग्नेट को किसी आयरन ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और दूसरे मैग्नेट के पास में लाते हैं तो अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है, यानी लाइक पोल्स रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। फिर मैंने तुम्हें बताया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी अगर किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को किसी धागे से अगर तुम लटका देते हो तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, और वो नॉर्थ साउथ क्या दिखाएगा, अर्थ की ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ की डायरेक्शन को शो करेगा। फिर मैं तुम्हें बताया कि अगर मैग्नेट को हम काट देते हैं और हम ये सोचें कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अलग अलग कर सकते हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप मैग्नेट को काटते जाओ तो अंत में आपके पास लास्ट में एक एटम बचेगा, एटम के पास भी, एटम के अंदर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, यानी कि जो मटेरियल का मैग्नेटिक इफेक्ट है वो आता है एटम के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, फिर मैंने तुम्हें बताया इंडक्टिव प्रॉपर्टी, मैग्नेट के पास दूसरी मटेरियल लाई जाए, एक्सक्यूज मी, अगर मैग्नेट के पास हम दूसरा मटेरियल लाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं, आयरन जैसी चीज लेकर के आते हैं, निकल जैसी चीज लेकर आते हैं, या कोबाल्ट जैसी चीज लेकर के आते हैं, तो नॉर्थ पोल के पास उस मटेरियल का साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा, नॉर्थ पोल के पास अपने आप साउथ पोल बन जाएगा। इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। और मैं तुम्हें बताया भी था कि अगर किसी लोहे के टुकड़े को अर्थ के अंदर, धरती के अंदर, मिट्टी के नहीं, थोड़ा सा नीचे नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में गाड़ करके छोड़ दो, 2-3 महीने के लिए भूल जाओ और निकालोगे तो तुम पाओगे कि वो जो मटेरियल है, लोहे का टुकड़ा है, वो मैग्नेटाइज हो गया है। ये इंडक्शन की वजह से ही है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। अब हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और फिर हम लोग स्टडी करेंगे कुलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। हाँ, जो हमने इलेक्ट्रो स्टडीज में पढ़ा ना, वैसे ही कुलॉम्स लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स यानी मैग्नेटिक्स में भी होता है। फिर हम स्टडी करेंगे कि भाई बार मैग्नेट के एक्सियल एक्सिस पे मैग्नेट फील्ड कितनी हो सकती है, इक्वेटोरियल एक्सिस पे मैग्नेट फील्ड कितनी हो सकती है, इसकी रिलेशन भी हम लोग निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले हम लोग बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या ऐसे कह सकते हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज, बहुत आसान सी बात, क्या है ये? देखो, अगर आप किसी मैग्नेट के ऊपर, इस मैग्नेट को मैंने किसी कार्डबोर्ड के ऊपर रखा है, ये है कार्डबोर्ड, और मैग्नेट को रख दिया, इसके ऊपर मैं आयरन फाइलिंग्स डालूंगा, आयरन फाइलिंग्स लोहे का पाउडर, तो हम देखते हैं कि वो इस तरीके से पैटर्न बना लेता है, ऐसा पैटर्न बन जाता है, ऐसा पैटर्न बन जाता है इस तरीके का, ऐसा ऐसा, यानी जो पाउडर हमने डाला है वो अपने आप को इस तरीके से अलाइन कर लेगा, इस तरीके से अलाइन कर लेगा, यानी कि हमें उस पाउडर के अंदर एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे कोई डिजाइन हो ऐसा देखने को मिलेगा इस तरीके। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसी वजह से हुआ कि जो हमारे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो इंडक्शन की वजह से मैग्नेटाइज हो गए हैं, उनका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया है। ठीक है, और उनका, अगर हमारे ये नॉर्थ पोल है तो उन सब का साउथ पोल इसकी तरफ आ जाएगा, है कि नहीं? अब वो पाउडर है, आपस में एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं, आराम से फ्री घूम नहीं सकते, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत घूम सकते हैं उसके हिसाब से पैटर्न बना लेंगे, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा।
ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है, यानी हमारे मैग्नेट के आसपास एक ऐसा एरिया बन गया है जिसमें कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आयरन जैसा कोई पार्टिकल, आयरन जैसी चीज का पाउडर एक पैटर्न बना ले, ठीक है। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस एक रिप्रेजेंटेशन है इस फील्ड का, अगर हम इस फील्ड को बनाना चाहें, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में उसका डिजाइन बनाना चाहें, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या करते हैं इसके लिए, हम लोग लेते हैं एक प्लॉटिंग कंपास, एक प्लॉटिंग कंपास कैसा होता है, प्लॉटिंग कंपास एक छोटा सा इस तरीके से डिस्क की जैसा होता है, यहाँ पर ग्लास होता है, शीशा होता है जिसमें से हम लोग देख सकते हैं, और इसके अंदर एक मैग्नेटिक निडल होती है जिसका नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, और वो फ्रीली ऐसे घूम सकती है, ठीक है। इसके ऊपर भी और नीचे भी दोनों में ग्लास होता है, ऊपर भी ग्लास होता है और नीचे भी ग्लास होता है, यानी हम लोग देख सकते हैं कहाँ रखा है इस प्लॉटिंग कंपास को, हम वहाँ देख सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम, बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग एक मैग्नेट को लेंगे, ये हमने भी मैग्नेट लिया, उसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। इसको हम लोग किस तरीके से रखेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है, अगर हम लोग इसको अर्थ के नॉर्थ साउथ के अलॉन्ग रखते हैं तो हमें अलग टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी, और अगर हम इसको ऐसे करने के बजाय ऐसे रख लेते हैं तो हमें अलग टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमने अपने मैग्नेट को किस तरीके से रखा है। चलो हमने अपने मैग्नेट को रख लिया, इसका क्या करेंगे, इसके बाद ऐसा प्लॉटिंग कंपास यहां रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उस प्लॉटिंग कंपास का जो नॉर्थ पोल है इस नॉर्थ पोल से दूर हो जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इस तरीके से, ये साउथ पोल है और ये एरो वाला नॉर्थ पोल है, जहां पर ये एरो पॉइंट करेगी वहां पर मैं एक डॉट बना दूंगा, ठीक है। वहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, एक डॉट बना देंगे, फिर इस प्लॉटिंग कंपास को उठाएंगे और इस डॉट के ऊपर रखेंगे, यहां से उठाया और प्लॉटिंग कंपास को डॉट के ऊपर रख लेंगे। अब हमारी जो कंपास की जो निडल है थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा तिरछी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। यहां पर कैसे थी, यहां पर इस तरीके से थी, अब थोड़ी सी ऐसे हो गई, जहां पर एरो पॉइंट करती है वहां पर भी हम एक डॉट बना देते हैं, ठीक है। फिर इसको उठा करके यहां पर रखेंगे, इसको उठाया और प्लॉटिंग कंपास को यहां पर रखा, अब निडल थोड़ी सी और इस तरीके से हो जाती है, जहां पर एरो पॉइंट करती है वहां पर भी हम एक डॉट बना देंगे, फिर से उठाएंगे, फिर से इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, ये डॉट बना देते काम आएगी बाद में, यहां पर हमने रखा, अब थोड़ी सी वो इस तरीके से पॉइंट करेगी, जहां पर एरो पॉइंट करती है वहां पर भी एक डॉट बना दोगे। ऐसे करते करते आप डॉट्स बनाते जाओगे तो आप देखोगे कुछ ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसको हम ज्वाइन कर देंगे, जो डॉट्स मैंने बनाए हैं उनको हम ज्वाइन कर देंगे, और ऐसे बहुत सारे हम फील्ड्स लाइंस बना सकते हैं कंपास, प्लॉटिंग कंपास की मदद से। तो हम देखेंगे कुछ ऐसे बनती है, इस तरीके से बन सकती है, इस तरीके से बन जाएगी, ऐसे भी नजर आएगी, ऐसे, इस तरीके से, और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमने पैटर्न बनाया प्लॉटिंग कंपास की मदद से किसी बार मैग्नेट की वजह से, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। बहुत इजी सी बात, बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है, उससे हमें एक बहुत सुंदर सा पैटर्न मिल जाता है और बच्चों को इसको करने में मजा आता है।
ये हमने बनाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो, हमने नॉर्थ पोल की तरफ डॉट बनाया, यानी नॉर्थ पोल को फोकस में रखा है, इसीलिए डायरेक्शन बनाएंगे ऐसी, इस तरीके से, यानी फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं और साउथ पोल पे खत्म नहीं होती, साउथ पोल से अंदर ही अंदर नॉर्थ पोल की तरफ भी जाती हैं। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बनाई थी उसमें क्या था, उसमें पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पे खत्म, लेकिन साउथ से फिर अंदर ही अंदर नॉर्थ की तरफ भी आएंगी, ठीक है, तो क्लोज्ड लूप बनाती है। तो बाकी फील्ड लाइंस भी इस तरीके से होंगी, समझ गए। ये जो नॉर्थ और साउथ का जो नाम लिया है ये हमने नाम रखा है, ठीक है, और जो हमने चूज किया है कि नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ जिस तरफ पॉइंट करता है हमारे प्लॉटिंग कंपास का, वहीं पर डॉट बनाएंगे, ये भी हमारी मर्जी से है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल करके साउथ जा रही हैं और साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही है। अगर हम साउथ की तरफ डॉट बनाएं तो हम कहेंगे फील्ड लाइंस साउथ से निकल करके नॉर्थ की तरफ आ रही है, लेकिन ये कन्वेंशन है, ये रिवाज है कि हम लोग नॉर्थ पोल को प्रीफर करते हैं, इसलिए फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल करके साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे हाथ में एक यूनिट नॉर्थ पोल है, एक छोटा सा मैग्नेटिक पोल है जिसको नाम दिया है नॉर्थ पोल। लेकिन याद रखो, अकेला नॉर्थ पोल या अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मोनोपोल मैग्नेटिज्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिज्म के अंदर दोनों पोल साथ साथ बनेंगे, पॉजिटिव सॉरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ साथ रहेंगे, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज है इसकी, कोई मुश्किल बात नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी भी ध्यान में रखेंगे तो हमें और मजा आएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो एक प्रॉपर्टी तो हमने देखी कि ये फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के साउथ पोल पे जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं। तो लिख सकते हो कि फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर MAGNET मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चलती हैं, समझ गए। अच्छा, और जहां पर ये फील्ड लाइंस बहुत नजदीक नजदीक होंगी, या यूं कह लो जब हमने आयरन फाइलिंग डाली थी, आयरन का पाउडर हमारे बार मैग्नेट के ऊपर डाला था, तो हमने देखा था कहीं कहीं पर तो पाउडर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, कहीं कहीं पर पाउडर थोड़ा खुला खुला है, यानी कहीं कहीं पर फील्ड लाइंस बहुत नजदीक नजदीक हैं और कहीं कहीं पर फील्ड लाइंस दूर दूर हैं। तो जहां पर फील्ड लाइंस नजदीक होती हैं वहां पर कंपैरेटिवली रिलेटिवली फील्ड स्ट्रांग होती है। तो लिख सकते हो द मैग्नेटिक फील्ड MF लिख लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग एट दोज पॉइंट्स वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर, ठीक है, और जहां पर वो दूर दूर है वहां पर वीक है, तो हम लिखेंगे वीक अदरवाइज, अगर वो खुली खुली है तो फील्ड
वीक होती है, ठीक है? ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके लिए मुझे कुछ समझाना पड़ेगा तुम्हें। तो क्या है कि अगर अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएं जो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल पे जाती है और किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाएं, तो वो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है इस पॉइंट पर। इसीलिए अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटेंगी तो दो टेंजेंट बना सकते हैं, एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट, एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? इसीलिए टू लाइंस ऑफ फोर्स, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो लिख सकते हो अगला पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है? ये कुछ प्रॉपर्टी पड़ी। अब ये याद रखो कि हमारी अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और वो मैग्नेट किस वजह से है, क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं? भाई अर्थ बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है, सोचो क्या सभी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ गिरती हैं? ये एक प्रूफ है कि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है? नहीं, क्योंकि अर्थ की तरफ तो लोहा भी गिरता है, लकड़ी भी गिरती है, फ्रूट्स भी गिरते हैं, कुछ भी गिर सकता है, पानी भी गिरता है, यानी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी अर्थ की तरफ गिरती हैं। इससे ये साबित नहीं होता कि अर्थ बहुत बड़ा मैग्नेट है, ये तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो अर्थ की मैग्नेटिज्म कैसे हमें दिखाई देती है? अर्थ की मैग्नेटिज्म हमें तब दिखाई देती है, जो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट बताया था कि किसी आयरन ऑब्जेक्ट को जमीन में खोद करके नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में अगर तुम बरी कर दोगे, गाड़ दोगे, तो कुछ महीनों में निकालोगे तो वो आयरन ऑब्जेक्ट मैग्नेटाइज हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का असर हुआ है, ठीक है? दूसरी बात कि जब किसी एक आयरन निडल को जो मैग्नेटाइज्ड है उसको तुम फ्रीली सस्पेंड करोगे, धागे से ऐसे लटकाओगे, तो अपने आप वो अर्थ के नॉर्थ साउथ को दिखाएगी, अपने आप रोटेट कर जाएगी और हमेशा उसी डायरेक्शन में आके रुकेगी जो अर्थ की नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन होगी। ऐसा इसीलिए हुआ कि इस आयरन ऑब्जेक्ट को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड असर करती है, इसके ऊपर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड असर डालती है, इसीलिए ये हमेशा उसी डायरेक्शन में रोटेट होकर के नॉर्थ साउथ दिखाएगी। यानी कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का भी असर पड़ता है, ठीक है? अब देखते हैं क्या असर पड़ता है, एक बार फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। क्या ये प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन से थोड़ा सा अलग है कि जब हम अपने मैग्नेट को ऐसे रखा नॉर्थ साउथ, मान लो इस तरफ अर्थ का नॉर्थ है और इस तरफ अर्थ का साउथ है, यानी अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ और अर्थ के मैग्नेट का साउथ, बाद में बात करेंगे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ अलग होते हैं और अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ अलग होते हैं, तो मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की। तो अर्थ की फील्ड इस तरीके से होगी, यह है अर्थ की फील्ड, यह है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, और एक फील्ड हमारे मैग्नेट की भी होगी नॉर्थ से साउथ नॉर्थ की तरफ साउथ से अंदर। अब एक खास इंपॉर्टेंट बात देखो, अर्थ की फील्ड ऐसे आ रही है नॉर्थ से साउथ और हमारे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है ना, ऐसे जा रही है, समझ गए? यानी कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट होगा जहां पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और हमारे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल हो जाएगी
और एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से किसी भी पॉइंट पर वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं, है कि नहीं? जहां पर कैंसिल करेंगी वहां पर क्या अलग होगा? वहां पर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि यहां पर कैंसिल कर गई? वहां पर अगर आप अपना प्लॉटिंग कंपास रखोगे तो उसको घुमाने पर वो फ्री घूम जाएगा, मतलब वो नॉर्थ साउथ नहीं दिखाएगा, जिस डायरेक्शन में घुमाओगे सुई उसी डायरेक्शन में घूम जाएगी, फ्री हो जाएगा, समझ गए? इसी तरीके से यहां पर भी हमारे मैग्नेट की फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, और अर्थ की फील्ड इस तरीके से आ रही है। तो मैग्नेट की फील्ड तो इधर है और अर्थ की फील्ड, सॉरी, ये हमारे अर्थ की फील्ड ये है और हमारे मैग्नेट की फील्ड ये है। तो यहां पर भी कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर दोनों की फील्ड कैंसिल कर देगी, यहां पर भी हमारा कंपास फ्री घूम जाएगा, इसे कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सी इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर हमने बात करी कि ऐसे पॉइंट भी होते हैं जहां पर अर्थ की फील्ड और अर्थ और हमारे मैग्नेट की फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगी, वहां पर हमारा कंपास फेल हो जाएगा, उसे हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर हुई बात? अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, और याद रखो न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन बदल जाती है मैग्नेट की पोजीशन के हिसाब से। अब हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मैग्नेटिज्म के अंदर हमारे पास चार्ज की जगह होंगे मोनोपोल्स, इमेजिनरी मोनोपोल्स। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि असलियत में मोनोपोल मैग्नेटिज्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नॉर्थ साउथ को आप कभी भी अलग नहीं कर सकते, नॉर्थ साउथ इनसेपरेबल हैं, समझ गए? तो नॉर्थ साउथ को आप कभी भी अलग नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हम इमेजिनरी कहेंगे कि दो इमेजिनरी मोनोपोल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब हुआ? कि अगर हमारे पास एक मोनोपोल है QM1, दूसरा है QM2, ये है मोनोपोल्स, 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 ठीक है। कई बुक्स के अंदर मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए मोनोपोल्स की बात भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन इससे कुछ चीजें समझ में आती हैं, इसलिए हम मानकर भी चलते हैं कि मोनोपोल हैं। तो मोनोपोल माना एक QM1, एक माना QM2, और इनके बीच में डिस्टेंस है, मैं इनको गोल दिखा देता हूँ, असलियत में गोल तो होते नहीं है लेकिन मैंने इनको गोल दिखाया, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है मान लो है R, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वो होगा K कांस्टेंट, QM1, QM2, यानी दोनों पोल, दोनों मोनोपोल्स की पोल स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हैं, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सिंपल सी बात, कई बार कर चुके हैं इस तरीके का काम हम लोग, ऐसा लॉ हमने कई बार देखा, ग्रेविटी में भी देखा, ऐसे ही m1 m2 आता है, नीचे r स्क्वायर आता है, चार्जेस में हमने देखा यहां पर q1 आता है, q2 आता है, r स्क्वायर आता है, मैग्नेटिज्म में देख लिया यहां पर qm1 है जो पोल स्ट्रेंथ है, QM2 है दूसरे मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है, और उनके बीच की डिस्टेंस है, और K को हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये तो हमने मैग्नेटिज्म में भी यूज किया था ना, ये कांस्टेंट, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, म्यू नॉट है परमीएबिलिटी, है ना, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर।
ये कूलम्स लॉ है, दो मोनोपोल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक है। अच्छा, इसकी मदद से हम लोग डिफाइन करेंगे वन यूनिट मोनोपोल की स्ट्रेंथ। वन यूनिट मोनोपोल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो हम क्या कहेंगे, जब हम ऐसे डेफिनेशन लेते हैं ना वन मोनोपोल वगैरह की, तो हम जनरली सभी चीजों को यूनिटी मान लेते हैं। तो किसको यूनिटी मान सकते हैं, मान लो आर है 1 मीटर, इफ आर इज 1 मीटर, Q1 Q2 को भी हमने 1 कहा ना, 1 यूनिट डिफाइन करना है, तो Qm1 Qm2 दोनों 1 यूनिट हैं, सारी चीज 1 यूनिट होगी। तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा F = μ0/4π, यानी 4π × 10⁻¹⁷ अपॉन 4π, ये दोनों 1 1 है, सो 1 अपॉन 1 मीटर का स्क्वायर, हम देख रहे हैं फोर्स आ जाएगा 10⁻¹⁷ न्यूटन। समझ गए क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे मोनोपोल्स के बीच में फोर्स 10⁻¹⁷ न्यूटन होगा, जब उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर होगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे मोनोपोल्स 1 यूनिट मैग्नीट्यूड के हैं। समझ गए, क्लियर, ओके। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स के टर्म्स में डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हम मैग्नेट फील्ड निकालेंगे किसी बार मैग्नेट की वजह से। तो लिखते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, मैग्नेट फील्ड को हमने कैसे डिफाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैसे डिफाइन किया था मैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी तरीके से मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। क्लियर, ठीक है, इस चीज को यूज करेंगे। और डायरेक्शन वो होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन वो होगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जिस तरफ हमारा नॉर्थ पोल चल करके जाएगा। यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायरेक्शन क्या लेते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होती थी जिस तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज चल करके जाएगा, कन्वेंशन है, रिवाज है ना। सो मैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग यूज करेंगे एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल, जिस तरफ नॉर्थ पोल जाएगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो अब हम करेंगे एक बार मैग्नेट की वजह से उसकी एक्सियल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, हमेशा मैग्नेट डायपोल के फॉर्म में होता है, लेकिन हम लोग स्पेशली बार मैग्नेट की बात करेंगे, इसलिए मैं लिख लेता हूं बार मैग्नेट। ऑन इट्स एक्सियल एक्सिस तो हमने पहले भी की हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, जहां पर दो चार्जेस होते थे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, उसकी एक्सियल एक्सिस हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। और कैसे निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल एक्सिस पर, याद है, पहले हम पॉजिटिव चार्ज की फील्ड निकालते थे KQ/r², फिर नेगेटिव चार्ज की फील्ड निकालते थे उसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग KQ / उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, फिर डायरेक्शन देखते थे, अगर डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे ही यहां पर भी करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये हमारा एक बार मैग्नेट है, जिसे मैग्नेटिक डायपोल भी कह सकते हैं, ये है इसका साउथ पोल और ये है इसका नॉर्थ पोल, और ये है मैग्नेटिक एक्सिस, और इस एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हम लोग निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट की वजह से। हमारे मैग्नेटिक डायपोल की लेंथ है 2L, जो दोनों पोल्स के बीच की लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ रही, दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2L,
तो हाफ करेंगे तो ये भी एल और ये भी एल, तो इसको हटा देते हैं। और हमारे पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर, डायपोल के सेंटर से, वो है मान लो आर। और हमारे पोल स्ट्रेंथ कितने कितने हैं, पोल स्ट्रेंथ है क्यू एम और ये भी क्यू एम, दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या है क्यू एम। ओके नाउ यहां पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, है ना, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पर इसकी वजह से जो है पर फील्ड होगी, इसकी वजह से जो फील्ड होगी उसका रिजल्टेंट होगी। तो पहले हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू नॉर्थ पोल, क्या होगी नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, मान लो उसका नाम देते हैं बी, बी एन नाम दे दो, तो वो होगी म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू एम अपॉन ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस है यहां से आर, ये डिस्टेंस है एल, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी बात डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन देखने के लिए यहां पर रखेंगे एक नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल इसकी वजह से इधर जाएगा, तो ये डायरेक्शन होगी हमारी इसकी वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से। तो हम कहेंगे इसका नाम दे देते हैं पी क्यू और इधर नाम दे देते हैं आर कह देंगे, सो अलोंग पी क्यू, अलोंग पी क्यू। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल क्या होगी, वो होगी बी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू एम, और डिस्टेंस कौन से लेंगे, साउथ पोल से डिस्टेंस लेंगे, यानी ये वाली डिस्टेंस लेंगे, आर तो ये है, बची हुई डिस्टेंस एल होगी, तो आर प्लस एल का स्क्वायर। अब इसी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि हम साउथ पोल की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, साउथ पोल की वजह से निकाल रहे हैं, तो यहां पर हमने क्या रखा है एक नॉर्थ पोल रखा है, तो साउथ पोल की वजह से नॉर्थ पोल इधर जाएगा, तो हम कहेंगे अलोंग पी आर, समझ गए। अब देखो ये तो आई साउथ पोल की डायरेक्शन, वो आई नॉर्थ पोल की फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट निकल जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को, तो बड़ा कौन सा होगा, बड़ा वो होगा जो पास में है, पास में कौन सा पोल है नॉर्थ पोल, तो हमारा नॉर्थ पोल वाली जो फील्ड है वो बड़ी होगी। हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड एट पी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू देखो बी एन माइनस बी एस, बी एन वेक्टर माइनस बी एस, ठीक है, बल्कि वेक्टर डाल के इसे देख लेते हैं, बी इज इक्वल टू बी एन माइनस बी एस मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो बी एन की वैल्यू क्या है म्यू नॉट बाई फोर पाई और डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमिनेटर में क्यू एम बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस और क्या लिखेंगे म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना, ठीक है देखो थोड़ा कट रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ इसको और थोड़ा सा मैं उधर घुमा दूंगा, मेरे ख्याल से काम चल जाएगा तुम लोगों का, ये देखो ठीक है, और इसमें से मैं म्यू नॉट बाई फोर पाई को बाहर निकाल लेता हूँ, क्यू एम को भी बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर बचेगा एल सी एम आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर एंड आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है सिंपल। पहले हमने नॉर्थ पोल की फील्ड निकाली, फिर हमने साउथ पोल की फील्ड निकाली, डायरेक्शन देखा, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हमने वैल्यूज पुट करी, कॉमन निकाल ली बहुत सारी चीजें और इसको हमने एलसीएम लिया, तो क्या मिलेगा हमें एलसीएम लेने के बाद, इसको हटा देते हैं, तो हमें मिलेगा म्यू नॉट बाई फोर पाई क्यू एम और नीचे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और न्यूमिनेटर में देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, यहाँ पर माइनस और यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्क्वायर करने के बाद
तो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पर प्लस आर स्क्वायर ये भी माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा तो हम मिलेगा प्लस टू आर एल यानी मिला के बन जाएगा 4RL बाकी सब कैंसिल हो गया। ओके समझ गए। तो ये आई हमारी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल एक्सिस और इसकी रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन उसकी होगी जो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। तो मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? नॉर्थ पोल वाली फील्ड का बड़ा है। तो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। इस तरफ मतलब इसमें हमें डायपोल हेल्प करेगा, डायपोल मूवमेंट हेल्प करेगा। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ और हमारी फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है? इस तरफ, यानी डायपोल मूवमेंट के अलोंग ही आ रही है। इसीलिए हम लोग कहेंगे अलोंग डायपोल मूवमेंट। ठीक है, ओके। इसको अगर हम स्पेशल केस लें कि अगर हमारा डायपोल बहुत छोटा है या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है तो हम इसमें एल को इग्नोर करेंगे। एल को इग्नोर करोगे तो हमें मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम आर स्क्वायर 4 एंड 4RL। आर से एक आर बच जाएगा, क्यू बच जाएगा और क्यू एम को हम अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा क्यू एम एल। इसको हम लिखेंगे 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई आर क्यूब और ये हो जाएगा 2 क्यू एम इंटू एल। ठीक है, लेकिन 2 क्यू एम इंटू एल क्या होता है? ये तो मैग्नेटिक मोमेंट होती है ना, पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल एंड सेपरेशन बिटवीन द टू पोल्स। तो इसको नाम दे देंगे हम लोग एम। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा B इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट स्मॉल m अपॉन 4 पाई r क्यूब। अगर वेक्टर फॉर्म में लोगे तो ऐसे लिख सकते हो। तो हमारी जो मैग्नीट्यूड आएगी अलोंग द डायपोल मोमेंट आएगी। तो आज हमने किया मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल एक्सिस बाकी सारी चीजों के साथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के साथ। तो बचा हुआ टॉपिक होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, टॉर्क ऑन अ डायपोल वगैरह वगैरह, जिसको हम करेंगे कल। ठीक है, तो कल तक के लिए सी यू, बाय।